परिवहन निगम के संविदा कर्मियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कर्मचारी राज्य बीमा निगम आयोग बनाए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि अल्प वेतन भागी कर्मचारियों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। चंपावत जिले के टनकपुर राज्य परिवहन निगम डिपो एवं लोहाघाट डिपो में कार्यरत संविदा कर्मियों ने भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संविदा कर्मियों ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत सुविधाएं दिए जाने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि चंपावत विधानसभा क्षेत्र में ESIC का कार्यालय शुरू कर उन्हें ये सुविधा प्रदान की जाती है। अल्प वेतन भागी कर्मचारियों के लिए ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में चंपावत पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों में कार्यरत अल्प वेतनधारी संविदा कर्मियों को भी ये सुविधा प्रदान की जाए, जिस पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हर्षवर्धन सिंह रावत ने सभी संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांग जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी और उन्हें आशा है कि जल्द ही क्षेत्र के संविदा कर्मियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री निर्देश जारी करेंगे। जो हमने इस वक्त रखी है कि हमारा ESI कार्ड सभी मजदूरों का हक होता है, वो हमारे इस चंपावत जिले क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसको ऑफिस खोलने के लिए आज हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं। क्रांतिकारी सदस्य हरप्रसाद रावत जी के माध्यम से यह ज्ञापन भेज रहे हैं। साथ में जो हमारे वर्कशॉप में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्तियां नहीं हो रही है पिछले 5-7 वर्षों से, जिससे कि बस के मेंटेनेंस में बड़ी परेशानी आ रही है। सुविधा हो, विशेष श्रेणी के रूप में हो या रेगुलर हो, वर्कशॉप की नियुक्तियां खुली जाएं, ये भी हमारी मांग रहेगी मुख्यमंत्री जी से। कर्मचारी मजदूर संघ की कुछ समस्याएं थी, जिसमें ESI का मैटर बहुत समय से लंबित पड़ा है। इस विषय पर जब उनके बारे में ज्ञापन देने का विषय आया तो मैंने कहा कि ज्ञापन देने के लिए मैं खुद ही आपके पास आऊँगा। तो मैं आज इनके यहाँ कार्यालय पर आया हूँ और ये संबंधित जो भी विषय है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके संज्ञान में डालूंगा और उनसे पूरी भरोसा है कि बहुत जल्दी इस विषय का निराकरण हो जाएगा। जितने भी कर्मचारी संबंधित इस तरह के कई सारे विषय और भी इस क्षेत्र में जो पड़े हैं उससे भी संबंधित एक ऑफिस खोल करके कार्यालय खोल करके हम मांग करेंगे कि जल्दी इस विषय का निस्तारण करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।